नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है किसान हित सर्वोपरि। किसानों को 2000 रुपये प्रति कट्टा के दाम किस प्रकार से मिल सकते हैं और किस प्रकार से किसान अपने अंदर जो है पनपी हुई एक घबराहट और पनपे हुए एक भय को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये वीडियो आज इसी मुद्दे पर आधारित रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आज किसानों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो कोई भी यूट्यूबर नहीं देते हैं। अक्सर हम जो है यूट्यूबरों पर जो है इल्जाम लगाते रहते हैं कि कौन यूट्यूबर क्या कर रहा है, ये उनकी खुद की व्यक्तिगत पॉलिसी हो सकती है, लेकिन हमारा काम है किसानों को वो जानकारी प्रोवाइड कराना जिससे किसान आलू में से अच्छा भाव जो है ले लें। क्योंकि हमारा एक प्रयास है, हम हमेशा किसानों से यही कहते हैं आप अपने आलू को रोक कर चलिए। जिस तरीके से अगर आप आलू को रोकेंगे तो आलू के रेटों में चढ़ाव जो है आप लोगों को मिलता रहेगा। लेकिन इसके इतर YouTube पर ऐसे ऐसे ज्ञानी YouTube चैनल चला के बैठे हुए हैं जो कि सिवाय दलाली और सिवाय पैसों के उनके पास में और कोई काम नहीं है। किसान कल मरे तो आज मर जाए, उन्हें तो बस 100-200 रुपये से मतलब होता है। इज्जत की जिंदगी जीना नहीं चाहते, कीड़े मकोड़ों की तरह जो है रेंगते रहते हैं 100-100, 200-200 रुपये पे हैं। लेकिन किसान साथियों, आप लोगों के लिए हम जो दिखाएंगे वो किसी भी YouTube पर नहीं मिलेगा, सिर्फ सोनू चौधरी के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। और इसी सोनू चौधरी की बदौलत जो हमने शुरुआत में मेहनत की थी और जो है पूरे देश को ये दिखाया था कि देश भर में 30% के आलू की पैदावार में जबरदस्त गिरावट है, जिसका असर 1600 रुपये प्रति कट्टा के रूप में आलू में देखने को मिलेगा। और उस बात की वानगी आप सभी लोगों के सामने आई। कई लोगों ने इस बात का शुरुआत में ही पुरजोर विरोध किया था और कई लोगों ने तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी थी। लेकिन जब आप लोगों का साथ हम सोनू चौधरी को मिला हुआ है तो सोनू चौधरी तो झुकने वाला नहीं है, जूता रखता है और वो भी लेदर का मजबूत वाला, झुका के मानता है, और नहीं झुकते तो जूते से झुका लेता है, दम होती है जूते में। ऐसी बात नहीं है, हरेक आदमी, क्योंकि कुछ निर्लज्ज किस्म के भी होते हैं, कुछ जो है ऐसे भी होते हैं जो बिगड़ जूते के मानते नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए तो जूता भी स्पेशल बनवा रखा है। और आज स्थितियां किसान साथियों ये हैं कि आपका आलू अच्छे रेटों पर आप लोगों को बिक रहा है, अच्छे दाम भी आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। और ये यदा कदा कई ऐसे लोग होते हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, क्योंकि इन्होंने बस वही देखा है कि सस्ती दरों पर आलू बेचना। इसमें किसान भी हैं, इसमें व्यापारी भी हैं, इसमें कोल्ड मालिक भी हैं। कभी इस वर्ग ने ये नहीं देखा है कि आलू जो है 2024 क्या 2025 में भी तेजी के सारे रिकॉर्ड टूट तोड़ेगा। अब जब मैं 2025 की कह रहा हूं ना, तो कई लोगों के तो सुलग रही होगी, कह रहे ये 2025 तक भी पहुंच रहा है। हाँ भाई, मैं पहुंच रहा हूं, मुझे स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि 2024 के साथ साथ 2025 में भी किसानों को 2025 रुपये प्रति कट्टा का भाव मिलेगा। और इस बात को आज सभी लोग नोट कर लो। अगर आपने अभी तक आलू नहीं बेचा है, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप कोल्ड मालिक हैं, चाहे व्यापारी हैं, सबको आलू के अच्छे रेट प्राप्त होंगे। लेकिन आप लोगों के अंदर जो धारणा धरी हुई है, पहले मैं इसको मार लूं, फिर मैं जो हूं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं धन्ना सेठ बन जाऊंगा, तो जो दूसरों का बुरा चेतता है परमेश्वर उसे भी नहीं बख्शता है। इस बात का स्पष्ट रूप से उदाहरण विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर आप लोग देखते रहते हैं। किसान साथियों, समय अनुकूल हुआ, परिस्थितियां बदली और आलू ने पलटा मार लिया। मंडलियों और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर चपेट मारते हुए उनके सीने पर हाथी रूपी एक वज्र पांव रखते हुए रौंदता हुआ अब बाजार आगे बढ़ चला है। और आलू में तेजी के जो द्वार हल्के से क्लोज हो रहे थे वो जो है पूरा खुल गए हैं। व्यापारी उत्साहित हैं तो उत्साहित हैं कोल्ड मालिक भी, क्योंकि हर जगह पर आलू की डिमांड है,
डिमांड यूं ही नहीं बनी है, डिमांड बनी है आप सभी लोगों के सहयोग और आप लोगों के लठ गाड़ने से। यदि आप लोग लठ नहीं गाड़ते तो ये डिमांड नहीं बनती। दूसरा, प्रकृति भी आप लोगों के पूरा सहयोग कर रही है। हर स्टेट्स में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे हरी सब्जियों के साथ साथ दलहन तिलहन फसलें जो है बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि पहले भी बरसात ने 15-20 दिन पहले बर्बाद किया था और अब। और इससे क्या है, आलू कहाँ रखा हुआ है कोल्ड स्टोर में, वो तो खुले में तो है नहीं, तो निश्चित तौर पर इसकी जो है विकल्प जो है आलू बनकर उभरा है। जब आलू बनकर उभरा है तो आलू के रेट भी बढ़ रहे हैं। आज किसान साथियों, जिस हसन के नाम पर आप लोगों को डराते धमकाते थे, फसल पहले से ही कमजोर थी और जो है रही सही कसर जो है इस बारिश ने पूरी कर दी। पैकेटों की संख्या कम लगी हुई थी, फसल भी कमजोर, और अब ये तो अब हो गया खेला। और मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी भी एरिया में आलू बच भी गया तो वर्षा प्रभावित आलू बारिश ज़्यादा होने के बाद और धूप निकलने के बाद हलवा बनेगा हलवा। और फिर जो हसन हसन के नाम पर कुछ यूट्यूबर चिल्ला रहे हैं, जैसे एक कन्नौज का चिल्ला रहा है, एक फरुखाबाद का चिल्ला रहा है, एक जो है एक नया शुरू हो गया खैर साइड का एक वो चिल्ला रहा है, तो ऐसे में ये लोग, इन्हें तनिक भी जानकारी इस फील्ड के बारे में नहीं है कि आखिर जो है स्थितियां और परिस्थितियां क्या हैं। बस इनको आड़तिया जो हैं 100-100 रुपए या 200-200 रुपए देके और भल्ले चाट चटाते रहते हैं, इधर एक खैर वाले को कोल्ड मालिक जो है कोल्ड ड्रिंक पिलाता रहता है, वो उसी में खुश है। किसान साथियों, जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, हमारी डेली बात होती हैं और जो है अब बिल्कुल क्लियर हो गया। और जब क्लियर हुआ है तब कोल्ड मालिक भी फोन कर करके बोल रहे हैं, आड़तिया फोन कर रहे हैं, व्यापारी फोन कर रहे हैं कि सोनू भाई आलू तो 2400 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। अब किसान माने नहीं माने तुम्हारी बात को, वो बात किसान जाने, लेकिन हम तो बिल्कुल भैया सेटिस्फाइड हैं तुम्हारी रिपोर्ट से। तुमने जो रिपोर्ट दी वही धरातल पर है, उतना ही नुकसान है। और जो आलू बच भी गया, अगर मार्केट में आ भी जाएगा तो वो जो है दागी दुक्कड़ होगा, तो फिर उसकी डिमांड भी नहीं रहेगी। तो कुल मिला के जो आगरा का आलू है उसकी डिमांड जो है उसमें बरकरार बनी रहेगी। आड़तिया तो इस बात को लिखित में दे रहे हैं, 50 रुपए किलो का थोक भाव जो है साउथ में आलू पार करेगा। इसके साथ ही दूसरा सबसे बड़ा मेन फैक्टर जो है वो बंगाल से बना, और बंगाल में तो आलू के रेट सरकार ने बाउंडेशन लगाई, सीमाएं सील की कि आलू रेट नीचे जाएंगे, लेकिन आलू के रेट तो और बढ़ रहे हैं। अब इधर जो स्पष्ट रूप से सामने एक निकलते हुए आ रहा है बंगाल के किसान साथियों, कोल्ड मालिकों और व्यवसायियों के लिए जो स्पष्ट संकेत हमको मिल रहे हैं, उससे महज 10 से 11 अगस्त के तक ममता सरकार इसको समीक्षा करेगी और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस आते आते या उससे पहले ही बंगाल के सारे बॉर्डर जो हैं खोले जा सकते हैं, जिससे बंगाल में भी आलू के रेट जो है 1600-1700 रुपए प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है छू जाएंगे, जिससे किसान को, व्यवसायियों को और जो है कोल्ड मालिक जो कभी हमारे धुर विरोधी बंगाल के रहे थे, जब हम बंगाल के बारे में कहते थे आलू यहाँ पर इतना तेज बिकेगा, तब ये लोग जो हैं हमारे वीडियो को देखकर या हमें देखकर या कॉल फोन पे या कई ग्रुपों से हमको ये निकाले कि भाई ये तेजी की बात करता है और ये ऐसा नहीं होगा। हालांकि शर्म से ये शर्मसार हैं कि इन्होंने जो कृत्य किया उसके लिए फोन करके माफी भी मांगते हैं। कई ग्रुपों में मुझे जोड़ने का पुनः प्रयास किया गया है, लेकिन सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं है। हमारी रिपोर्ट कभी कोल्ड मालिकों को भी बुरी लगी थी उत्तर प्रदेश के, गुजरात के, लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट जो है एक दूसरे से साझा की, तो फिर उन्हें ये बात बिल्कुल सही लगी कि सोनू जो बता रहा है वही सही है और इससे जो है आलू आगे बढ़ेगा। एक कोल्ड स्टोरेज में शुरुआत में हमने 1200 रुपये प्रति कट्टा की वीडियो बनाई थी, और वो कोल्ड स्टोरेज का नाम लेते हुए मुझे आज बड़ा गर्व महसूस होता है। सबसे पहले निकासी थी खंदौली के कोल्ड स्टोरेज में, राजा अधिराज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड में, और यहाँ के मालिक ने शुरुआत में ही, क्योंकि नाम उनका भगवान कृष्ण के नाम से जुड़ा होता गोविंद जी,
गोविंद जी ने वो काम करके दिखाया कि उनके कोल्ड से जब ये पहली गाड़ी खंदौली से रिलीज हुई उसके बाद में आलू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, और ऐसे व्यक्ति का आलू पर हाथ पड़ा कि आलू जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। मैं धन्यवाद दूंगा गोविंद जी का जिन्होंने एक ऐसी स्थिति में जब लोग जो है ये कह रहे थे आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा नहीं बिकेगा, तब डट कर विभिन्न ग्रुपों में समर्थन किया था कि आलू 1600 रुपये प्रति कट्टा ही बिकेगा, और लिख लेना ये सोनू चौधरी की रिपोर्ट है और इस बात को गोविंद अग्रवाल भी कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति का मैं बार बार धन्यवाद अपने चैनल के माध्यम से करना चाहूंगा। इसके बाद में किसान साथियों, चूंकि आलू में तेजी चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो बंगाल हो, भाई मेरा मकसद है सभी को मिले, सभी कोल्ड मालिक प्रसन्न रहे, सभी व्यापारी और सबसे ज्यादा जो है हमारे किसान प्रसन्न रहे जिससे उन्हें तेजी मिलती रहे और जो है आलू जो है निकलता रहे और जो है मार्केट भी स्टेबलती रहे। तो निश्चित तौर पर अब वो स्थितियां बहुत बन गई हैं और मेरा अनुमान है कि बंगाल भी जो है 10 के आसपास जो है ओपन बॉर्डर जो है हो जाएंगे या उससे पहले भी हो जाएं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बंगाल के लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपने मेरे बारे में बहुत अभद्र टिप्पणियां और बहुत गलत शब्दों का इस्तेमाल जो है कई ग्रुपों में कई जो है लोगों के साथ में किया है, लेकिन रिपोर्ट वही थी जो हमने बताई थी। आलू बिका वहां पे भी 1400 रुपये प्रति कट्टा और मैं लिखित में दे रहा हूँ 1700 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा बंगाल में भी आलू जो है। आज लिख लो ममता सरकार कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि ममता सरकार एक किसान विरोधी सरकार है। ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल के हर व्यक्ति को एक भिखारी बना दिया है जिससे वो लोग उनके प्रति व्यक्ति आय जो है 150-200 रुपये प्रति डे से जो है बढ़ नहीं पा रही है। यानी एक दिन में सुबह से 6 बजे से व्यक्ति लगेगा और शाम के 6 बजे तक मात्र 200 रुपये कमाएगा, उसमें उसका परिवार कैसे चलेगा। वहां पर प्रति व्यक्ति आय या आय के संसाधन या जो है क्रियाकलापों या जो है फैक्ट्री या जो आपका जितने भी उद्योग धंधे चलते हैं उनको बढ़ाने के स्थान पर उनका दमन किया जा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर जो है गरीब जैसी स्थिति जो है उस प्रदेश की हो गई है। तो ऐसे में ऐसी सरकार से हम कदापि उम्मीद नहीं कर सकते जो किसान की विरोधी हो। किसान को अगर आलू के अच्छे रेट मिले तो वो नहीं लेने दे रही हो, और साथ ही व्यवसायी, चलिए खैर मान लीजिए व्यवसायी और हमारा अगर 19-20 का अंतर भी चल रहा है, हो सकता है उन्हें हमारी रिपोर्ट नहीं समझ में आ रही हो या हमें उनकी रिपोर्ट नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन तेजी में व्यवसायी भी सोनू चौधरी का सपोर्ट करने बंगाल के सबसे पहले, उसके बाद में बंगाल के कोल्ड मालिक। आज सभी वर्ग चाहता है कि सोनू भाई तुम हमारी आवाज उठाओ, ये सरकार बहुत निकम्मी है और ये जो है न तो हमें लेने दे रही है, क्योंकि जब हमें मिलेगा तभी तो हम किसान को देंगे। अब स्थितियां ये हैं कि अब बात कर लो, और टैक्स भी हम जो है अन्य प्रदेशों से ज्यादा जो है हॉर्टिकल्चर को देते हैं अपने कोल्ड स्टोरेज का। व्यवसायिकों का कहना है हम जो है अपना लाइसेंस अपनी गद्दी चलाने के लिए जो हम सरकार को भुगतान करते हैं और एक भारी भरकम रकम देते हैं, लेकिन इसके उत्तर हमें मिलता क्या है। ये सरकार हमारा ही खून निचोड़ने का काम कर रही है, और जबकि प्रगतिशील आलू व्यवसायी जो संगठन है वो कभी जो है ममता सरकार का जो है दाहिना हाथ माना जाता था, लेकिन आज कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों की कठपुतली जो है इस समय पर ममता बनर्जी बनी हुई, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत काम है। और निश्चित तौर पर यदि मैं इस बात को आज अपने चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आप सभी जो है एकदम बेधड़क रहिए, आप सभी को भी आलू में अच्छे से अच्छा दाम कमाने का शुभ अवसर जो है परमपिता परमेश्वर की दया दृष्टि से मिलने वाला है। तो ऐसे में आप भी मत घबराइए, क्योंकि देखो पैदावार कम है, इस बात को पहले आप नहीं स्वीकार कर रहे थे लेकिन अब स्वीकार कर रहे हैं। पहले हमारे यूपी में भी यही था लेकिन जब स्थितियां हुई तो ये हो गया। अब किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन और एक नमूना दिखाई देता हूं। कई लोग जो है आप लोगों को भूटान के बारे में बता रहे हैं कि भूटान से आलू आएगा। भूटान में कहां से आलू आ जाएगा, भूटान से कैसे आलू आ जाएगा? अब आप इस बात को समझिए कि इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है आप लोगों को बंगाल के व्यवसायी दे सकते हैं, बंगाल के कोल्ड मालिक दे सकते हैं। फोन लगाइए, क्योंकि भूटान के लिए आलू जो है बंगाल से ही जा रहा है, पहले भी जा रहा था और अब भी जा रहा है। भूटान एक छोटा सा देश, अगर मैं जो कहता हूँ आगरा का खंदौली और वहां से आलू खंदौली में लाए तो एक दिन में भी नहीं चलेगा। कहाँ है भूटान का आलू? ये सिर्फ कुछ मंदड़िया लोगों की ऐसी हरकतें होती हैं जिससे जो है किसान गुमराह हो और जो है वो हो जाए। भूटान देश किसकी बराबर है? एक आगरा जिले की बराबर भी देश नहीं है। उसके अगर आपको कभी जीएस यानी सामान्य अध्ययन में पढ़े हो कि भूटान की सारी अर्थव्यवस्था, सारी कृषि व्यवस्था,
सारी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था सब भारत के हवाले है। अब आप इससे ही समझ लीजिए, जो सारी हमारे हाथ में है तो वहां से अलवा ही नहीं सकता है। पहले ही उस देश में जो है कमी है और हमारे देश से जा रहा है, कई देशों की बात कही जा रही है। अब देखो जापान में भी आलू जा रहा है आपका, ऑस्ट्रेलिया में भारत से ही जा रहा है, मॉरिशस में भी भारत से जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में भी जा रहा है, दुबई में भी जा रहा है, इंडोनेशिया में भी जा रहा है, और तो और दिग्गज देश रूस में भी भारत से आलू जा रहा है। अब कहां से आलू आ जाएगा? इस वर्ष 2024 में प्राकृतिक आपदा की मार आपके देश में ही नहीं वरन विदेशों में भी आलू के उत्पादन पर पड़ी है, जिससे आलू के रेटों को, हमारे देश में तो कुछ भी रेट नहीं है लेकिन विदेशों में देखो वहां क्या रेट चल रहे हैं। और जब वहां के रेटों की तुलना अगर हम यहां से करें, और कई लोग कहते हैं विदेशों से आलू आएगा, तो ये एक सिर्फ एक झूठी कोरी अफवाह के सिवा कुछ नहीं होता है। इससे सिर्फ इतना हो जाता है कि किसान घबराहट में आके आलू बेच जाता है, और फिर इस आलू को ये होल्ड कर लेते हैं और फिर उसे जो है तेज में मार्केट में उतारते हैं, और अच्छा जो है एक मोटा पैसा जो है ये लोग कमाते हैं। किसान साथियों, निकासी सभी को पता पड़ चुकी है, अब तो स्पष्ट है, और निश्चित तौर पर एक आध दो दिन में हम जो है आप लोगों को पूरा उत्तर प्रदेश का जिला वाइज आंकड़ा दे देंगे किस जिले में कितनी परसेंट की निकासी होगी, तो घबराइए मत। लेकिन इतना मान लीजिए 45% की ओवरऑल उत्तर प्रदेश में निकासी है। इस बात को अब कोल्ड मालिक, आड़ती और व्यापारी भी स्वीकार करने लग गए जो पहले नहीं करते थे। इसके साथ ही किसान साथियों, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, अब तो सरकार भी मानने लग गई है कि आलू में तेजी आएगी और भयंकर तेजी आएगी, इसलिए आदेश पे आदेश रिलीज किए जा रहे हैं। एक आदेश की कॉपी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखो आप जो है साइड में देख रहे हैं, अब ये जो है जारी हुई है राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग 2 सिकंदरा आगरा से अनिल कुमार जो इसके उपनिदेशक हैं प्रशासन एवं विपणन, इनके द्वारा ये जो है जारी किया गया है। इसमें इन्होंने साफ लिखा है, वर्तमान समय में आलू का प्रचलित भाव 1600 रुपए से लेकर 2800 रुपए प्रति क्विंटल का उल्लेख है। प्रचलित न्यूनतम बाजार से आलू जो है कम दर पर आलू यानी कि 6R या /9R जारी न किए जाने का निर्देश दिया गया है। वर्तमान में आलू का प्रचलित भाव जो है 1600 से 2800 रुपए प्रति क्विंटल है, ये इस बात को अब ये स्वीकार कर रहे हैं। इसके उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि मंडी राजस्व में आलू के प्रचलित न्यूनतम बाजार भाव की दर से नीचे 6R और 9R का जो कि कदापि निर्गत न किया जाए। तो देखो अभी इन्होंने नीचे लिखा है, आलू का भाव अभी और बढ़ने की संभावना है, यदि आलू के दरों में वृद्धि होती है तो बढ़े हुए दर पर ही 6R और 9R जारी कराया जाए। इस संबंध में अधोहस्तधारी द्वारा समय समय पर सामयिक निर्देश निर्गत किए जाएंगे। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है, यदि वर्णित प्रचलित बाजार भाव से कम दर में आलू के 6R 9R निर्गत पाया जाता है तो इसे गंभीरता से लेते हुए अंतर की धनराशि वसूली संबंधित व्यापारी से कराई जाएगी। यदि व्यापारी से अंतर की धनराशि वसूली नहीं की जाती है तो सचिव और कर्मचारी से वसूली सुनिश्चित की जाएगी। इसका तात्पर्य किसान साथी हुए है, क्योंकि देखो 6R और 9R जो कि व्यापारियों से संबंधित है, इन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी मौजूदा भाव इस रेट पर चल रहे हैं लेकिन आने वाले दिनों में इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना है। तो ऐसे में 6R जो कि किसानों से आलू लिया जाता है उसका जो है सौदा पत्रक, 9R जो कि गेट पास और जो है कोल्ड स्टोरी की पर्ची होती है, वो अगर उससे नीचे का अगर इसने किसी ने 2800 रुपए प्रति क्विंटल से नीचे कटवाई है तो वो जो है मान्य नहीं होगी और जो है आगे जो है उसकी वसूली व्यापारियों से की जाएगी। तो निश्चित तौर पर आप जो है आप इस बात को मान लीजिए, जब ये लोग इस बात को कहने लग गए कि आलू में और ज्यादा तेजी आएगी तो निश्चित तौर पर आप तो अपने मन के अंदर से जो गलत धारणा नेगेटिव सोच भरी हुई है और जो भय का माहौल है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको आप जो है निकाल कर फेंक दो। और देखो सबसे ज्यादा इसमें परेशान कौन है? छोटा किसान, छोटा व्यापारी, छोटा कोल्ड मालिक, ये ऐसे लोग हैं जो कि बाजार का विश्लेषण नहीं करते। कोई बड़ा कोल्ड मालिक कह दे या बड़ा व्यापारी कह दे या जो आड़ती कह दे, ये उसी में जो है इनका मूत छूट जाता है, पेंट से खड़े खड़े ही जो है चैन खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, खड़े खड़े मूत निकल जाता है इनका। तो ऐसे लोगों की वजह से ही आलू का माहौल खराब होता है। हालांकि ये इस पत्र जो है इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित कर रहा है कि आलू में तेजी किसी का बाप नहीं रोक सकता है। यदि किसी ने 6R और 9R की रसीद अब कटा ली है
तो उसकी वसूली व्यापारियों से होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में आलू के रेट बढ़ने की पूरी पूरी संभावना है। तो निश्चित तौर पर राजस्व के मामले में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है आप आलू किसानों के हित में है। और किसान साथियों, यदि आप लोगों को लगता है और आप लोगों के अंदर घबराहट है और ये हो रहा है कि हम जो है हम मर ना जाएं, कि हम जो है बर्बाद ना हो जाएं, या ये ना हो जाए वो ना हो जाए, कई कोल्ड मालिक कई व्यापारी कई इस तरीके की बातें जो है कमेंट सेक्शन के माध्यम से करते हैं, तो देखो आप लोगों के लिए द्वार पूर्ण रूप से खुले हुए हैं। आपका आलू जिस रेट पर बिक रहा हो उस रेट पर निकालिए, किसी के ऊपर ठीकरा फोड़ने से भली बढ़िया है कि आप अपने आलू की बिक्री करके जो है फारिग हो जाइए, जिससे जो है आप किसी के ऊपर जो है आरोप ना लगा सकें। क्योंकि हमारा एक मकसद सिर्फ उन किसानों के लिए है जो लठ गाड़ के बैठे हुए हैं कि बेचेंगे तो 2000, अन्यथा जो है फिर चाहे कुछ भी हो रिस्क तो हम पूरा ही लेंगे, क्योंकि डिमांड अच्छी है, निकासी भी अच्छी है, और जो है आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी जो है आएगी। तो ऐसे में अब आप समझ लीजिए। और फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूंगा, मेरी एक एक रिपोर्ट आपको अगर पत्थर की लकीर ना मिले तो चैनल छोड़ चलाना बंद, क्योंकि हम जो कहेंगे वो किसान हित में कहेंगे, और किसान जो सोचेंगे वो अपने फायदे अपने जीवन मरण के लिए सोचेंगे। अगर किसी किसान को, अगर किसी व्यापारी को, अगर किसी कोल्ड मालिक को ये लगता है कि ऐसा संभव नहीं है, तो फिर वो अपने आलू की बिक्री कर सकते हैं, वो भी स्वतंत्र रूप से किसी भी वीडियो के माध्यम से कमेंट करने की अपेक्षा। यदि आप अपने आलू की बिक्री पर ध्यान लगाएं तो ऐसी फिर नौबत आप लोगों के सामने नहीं आएगी, क्योंकि डरता वही है जिसके पेट में जो है पानी भरा होता है, और जिसका हृदय और जिसका पेट पहले से ही मजबूत होता है वो डरता नहीं है, वो तो डराता है। और यहाँ तो जूता तैयार रखा है बिल्कुल लेदर फॉर्म का, एकदम छपाइट ऐसी मारते हैं कि फिर कोई उठता नहीं है, दुनिया ऐसे ही उठा देते हैं उस व्यक्ति को। तो ऐसे में आप सभी लोग, यदि आप लोग जो है चाहते हैं कि आपको आलू के अच्छे रेट मिले, तो भैया आलू की जो बिक्री आप कर रहे हैं उसे थोड़ा रोक कर चलिए, हाथों को होल्ड कीजिए। और अगर आपको लगता है कि हम जो है तुम्हारी वीडियो देख के बर्बाद हो रहे हैं, या जो है तुम ऐसी बातें करते हो वैसी बातें करते हो, तो फिर जो है भैया आप जिस रेट में आपका आलू बिक रहा हो उस रेट में अपने आलू की बिक्री सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि ऐसे मौके फिर बार बार नहीं आते। ऐसे जल्दी से जल्दी इस मौके को बना लो, क्योंकि जो हम बताएंगे वो तो हमारे किसानों के लिए है, आप लोगों के लिए तो फिर अपना श्री गणेश करते रहो, यही इसी में आप लोगों की भलाई है। क्योंकि आप लोगों के साथ में इतना दिमाग नहीं मारा जा सकता है कि जो आप कल्पना कर लेते हो कि हमारे साथ, हम तो मर ही रहे हैं, कोई हमारे साथ में मूड़खोरी करने और आ जाए, तो यह मूड़खोरी करने की आवश्यकता नहीं है, दिमागखोरी करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने आलू को बेच सकते हैं। बहरहाल किसान साथियों, इस वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। मैंने आपको हर बिंदु पर एक गहन शोध करने के बाद में ये वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा की है। यदि आप लोगों को ये लगता है कि आलू जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, अच्छी क्वांटिटी में बिकेगा, तो आप जो है अपने आलू को सुरक्षित रखे रहिए। और किसी भी स्तर पर वीडियो का कोई पॉइंट जो है आपकी दिमाग में सेट हुआ हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक दिया कीजिए, जिससे जो है जो भी वीडियो कोई भी वीडियो देखने आए तो उसे ये एहसास हो कि इसके साथ किसानों का एक बहुत बड़ा समूह जुड़ा हुआ है, जिससे आलू क्या जो हम लोगों की हवा भी ये जो है टाइट कर देगा। तो निश्चित तौर पर लाइकों की संख्या वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, जिससे जो है हर जो कि मंदड़ी और किसान विरोधी लोग हैं उनके पैरों तले जमीन खिसकती रहे, और वो कभी भी ऐसी बातें न करें जिससे जो है आलू में कुछ वैसी बातें हो। समझ गए होंगे आप लोग जो है, इतने तो समझदार हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूंगा, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा है कि आप लोगों से मैं ये कहूं कि आलू की बिक्री कीजिए। आप कैसा भी आलू सही, आलू में तो तेजी बननी बननी है, अब बस वही वाली बात आ जाती है घूम फिर के उसे वीडियो में बोल दें, बार बार रिपीट होगी तो कोई फायदा नहीं है। जिन्हें लगता है वो अपना आलू बेच दीजिए, और जिन्हें लगता है कि आलू सोनू चौधरी की वजह से 2000 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा, तो वो जो है रख कर बैठे रहिए, रिस्क लीजिए, पूर्ण रूप से आलू बिकते ही रहेगा। वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, लेकिन लाइकों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। देखने में आता है आप लाइक को, वीडियो को देखते जरूर है लेकिन लाइक नहीं करते, लाइक जरूर।